भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है, ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं करके दिखा सकती, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया हुआ है। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको दिल्ली वालों ने बार बार 90% से ज्यादा सीट देकर जिताया है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के गरीब बच्चों को हाई क्वालिटी शिक्षा देते हैं बिना किसी खर्चे के। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज देते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के काम को तो मैच नहीं कर पाती है। अपने किसी भी राज्य में, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, कहीं पर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं करके दिखा सकती। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है, ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ये भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में बार बार हुआ है। बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, ना अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर मिलता, ना अरविंद केजरीवाल को दवा मिलती। जब अरविंद केजरीवाल जी को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी, तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और जो उनके स्वास्थ्य पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हमला खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली ट्रायल कोर्ट से, भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई उस बेल को रुकवाने के लिए। उन्हें पता था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देगा,
तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पिछले दिन सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लिया। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, आज भी उस सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 कर और खराब होता जा रहा है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ सीरियस हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, जिन्होंने उन्हें जेल से बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई की फर्जी गिरफ्तारी करवाई। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है कई बार। कोई डॉक्टर आपको बताएंगे, और अभी दो डॉक्टर्स यहां पे हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद भी हैं, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक शुगर के मरीज को हाई शुगर लेवल से बहुत ज्यादा खतरा लो शुगर लेवल से होता है। अगर शुगर लेवल 70-60 से नीचे आ जाता है तो कुछ भी उस व्यक्ति को हो सकता है। सोते हुए व्यक्ति लो शुगर लेवल की वजह से कोमा में जा सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उनको सीजर्स हो सकते हैं, उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल रात की नींद में 5 बार से ज्यादा 50 के नीचे पहुंच गया, खतरनाक लेवल्स पे पहुंच गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। जिस दिन ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था उनका वजन 70 किलो था, और अब तिहाड़ जेल में जब मेडिकल चेकअप हुआ तो उनका वजन 61.5 kgs है, 8.5 किलो कम। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस खतरनाक बीमारियों का इंडिकेटर होता है। ऐसा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, सीरियस किडनी प्रॉब्लम, यहां तक कि कैंसर का भी द्योतक होता है। अरविंद केजरीवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, एक झूठे और फर्जी मुकदमे की वजह से जेल में है, और आज जेल में होने की वजह से उनको सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रहा। आज अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को खतरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कुछ हुआ तो ये देश तो क्या, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा।